आज के इस वीडियो में हम बताएंगे, अगर आपके इंस्टाग्राम पर जीमेल आईडी लगी हुई है तो जीमेल आईडी को रिमूव कैसे किया जा सकता है, इंस्टाग्राम से जीमेल आईडी हटाई कैसे जाती है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अगर आप इंस्टाग्राम से जीमेल आईडी को अपने हटाना चाहते हैं तो जो नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताया जाएगा उसको आपको फॉलो करना है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम ऐप को खोलेंगे। इंस्टाग्राम को यहाँ पे आप खोल लीजिएगा। इंस्टाग्राम को खोलने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन होगा, अगर नहीं है तो लॉग इन कर लीजिएगा। यहाँ पे इंस्टाग्राम में आने के बाद आपको अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें जो है ऊपर थ्री डॉट्स या फिर थ्री लाइंस देखने को मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक करके हमें सेटिंग वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। सेटिंग में चले जाना है। अब सेटिंग में जाने के बाद हमें हमारी ईमेल एड्रेस रिमूव करने के लिए अकाउंट सेंटर का जो एक नंबर वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट सेंटर में आपको काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। कभी कभी अकाउंट सेंटर जो ऑप्शन है वो लोड होने में कभी कभी टाइम ले सकता है, तो आप जो है थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और जैसे आपका अकाउंट सेंटर लोड हो जाएगा या फिर ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें पर्सनल डिटेल्स में चले जाना है। पर्सनल डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो में आपको आना है। कॉन्टैक्ट इन्फो में आने के बाद अगर आपकी यहाँ पे ईमेल एड्रेस लगी हुई तो वो शो हो जाएगा। अभी फिलहाल मेरी सिर्फ मोबाइल नंबर यहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर चाहे मोबाइल नंबर हो ईमेल एड्रेस हो दोनों ही यहीं पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए ये मेरी ईमेल एड्रेस है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मुझे इसको डिलीट करना है। डिलीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट बटन पर क्लिक करना है। सेम मोबाइल नंबर और सेम ईमेल एड्रेस पर आपको यही कर देना है। ध्यान रखिए अगर आपका सिर्फ ईमेल एड्रेस ही लगा हुआ है तो आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर या फिर दूसरे ईमेल एड्रेस लगा देनी है, जिससे कि आप जो है अपनी एक ईमेल एड्रेस डिलीट कर पाए। या फिर अगर आपके अकाउंट में सिर्फ एक ही ऑप्शन लगा हुआ है, ईमेल एड्रेस एक ही है, तो उस केस में वो डिलीट नहीं होगी, क्योंकि आपको एक और कोई ना कोई ईमेल या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना है, जिसके थ्रू आप आने वाले टाइम में अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो पाएंगे। तो बस इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, डिलीट ईमेल एड्रेस या फिर डिलीट आपका जो भी ईमेल होगा फ़ोन नंबर होगा उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो कुल ये प्रोसेस है इसका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।